हेलो फ्रेंड्स, शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। पता नहीं आपको मेरा वीडियो कब मिले, इसलिए सारी विशेष मैंने आपको एक साथ दे दी। मैं मेघा कंसल, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो अपनी वीडियो लेकर आई हूँ वो है रसोई घर से रिलेटेड। माय डियर फ्रेंड्स, जो गृहिणी होती हैं उनका सबसे ज़्यादा समय रसोई घर में व्यतीत होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भोजन उस घर का आधार होता है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपनी रसोई में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जो वास्तु के अंदर रसोई के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई है वो है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि का कोण होता है और वहीं पर हमें अपनी रसोई बनानी चाहिए। वैसे तो हम उत्तर पश्चिम दिशा में भी अपनी रसोई को बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो उत्तम स्थान होता है वो दक्षिण पूर्व होता है। तो जब भी गृहिणी खाना बनाए तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो मुख है वो पूरब दिशा की ओर हो, जो उसका गैस है वो इस तरीके से रखा हो कि जब वो खाना बनाए तो पूर्व की दिशा में उसका मुख हो। साथ ही रसोई के अंदर खिड़की का होना भी बहुत आवश्यक है। खिड़की होगी तो जो फ्रेश एयर है रसोई के अंदर आएगी। साथ में कुछ बहुत ही जरूरी बात हमें ध्यान रखनी होती है, रसोई के अंदर कोशिश करें कि डस्टबिन कभी भी ना रखें। रसोई से बाहर आप डस्टबिन को रखिए। जो हमारा फ्रिज होता है, अगर आप फ्रिज अपने रसोई के अंदर रख रहे हैं तो आप उसे दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर रख सकते हैं। जो हमारा सिंक होता है, सिंक को आप उत्तर पूर्व दिशा में रखिए, क्योंकि जल का स्थान वही होता है। जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसके मन में लालच, घृणा, इस तरीके की कोई भी भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं तो वही भाव हम अपने उस भोजन में डाल रहे होते हैं। तो बहुत ही प्यार से, ममता से आप भोजन बनाएंगे तो वही किरणें उस भोजन के अंदर जाएंगी। कोशिश करें कि रसोई घर के अंदर चप्पल जूते बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, क्योंकि वो एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है और पूरा घर उस भोजन का सेवन कर रहा है, और उसी भोजन से हमारा मन बन रहा है। तो जूते चप्पल को रसोई घर से दूर रखें। जो गृहिणी खाना बना रही हैं वो कोशिश करें कि वो अपने पैरों में बिना चप्पल के भोजन को तैयार करें। वो अपने पैर के नीचे पायदान डाल सकती हैं। बिना चप्पल के आप रसोई घर में घुसिए और भोजन पकाइए। आज के टाइम में तो गृहिणियाँ जैसे भूल ही गई हैं कि हम अगर बरकत चाहते हैं तो हमें नहा धोकर रसोई घर के अंदर कदम रखना चाहिए। बट आज के टाइम में तो बहुत ही मुश्किल हो गया है सभी के लिए इस चीज को फॉलो करना, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से डे बाय डे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उनका कहीं ना कहीं यही रीजन है कि हम ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे शास्त्रों में दी गई हैं हम उन्हें भूल चुके हैं। तो नहाने के बाद ही अगर आप रसोई में जाएंगे, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है, जैसे मंदिर में आप बिना नहाए धोए नहीं जा सकते, ऐसी आपका रसोई घर है। नहा धोकर अच्छे मन से आप अपना भोजन और पकवान अपना बनाएं और देखें कि आपके घर के अंदर कितना बदलाव आया है, सभी के अंदर कितना प्यार आया है। जब हम गुस्से से खाना बनाते हैं ना, तो वही गुस्सा सारे परिवार के अंदर जा रहा है। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए खाना बनाते समय। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।